नमस्कार। प्रस्तुत है वर्ग पांच की इंग्लिश के चैप्टर गोलू गोज टू स्कूल का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर ए में है, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉरेस्ट वेयर द बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली। उस जंगल का नाम बताइए जहां चिड़िया और जानवर शांतिपूर्वक रहते थे। आंसर है, सारंडा इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट वेयर सारंडा इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट वेयर द बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिसीजन Did the older animals take? जो older यानी उम्र दराज जानवर थे उन्होंने क्या निर्णय लिया? The older animals took the decision to open a school in the forest. जो बुजुर्ग एनिमल्स थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जंगल में एक स्कूल खोला जाए। थर्ड क्वेश्चन है, हु वेयर अपॉइंटेड एज द टीचर्स। किनको किनकी नियुक्ति टीचर्स के रूप में की गई? आंसर यह है, द काउ एंड द आउल वेयर अपॉइंटेड एज द टीचर्स। गाय और उल्लू को शिक्षक नियुक्त किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द यंग एनिमल्स टॉट इन द स्कूल। जो यंग एनिमल्स थे छोटे जानवर थे उनको क्या स्कूल में सिखाया जाता था? तो आंसर यह है, द यंग एनिमल्स वेयर टॉट अबाउट गुड मैनर्स, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस हारमोनी एंड मेनी मोर थिंग्स। छोटे जानवरों को सिखाया जाता था गुड मैनर्स, अच्छे स्वभाव, अच्छे अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, उनके चारों ओर का जो दुनिया है उसके बारे में, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीस हारमोनी और शांति और सौहार्द के महत्व के बारे में, एंड मेनी मोर थिंग्स और बहुत सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Golu's friends gift him? गोलू के दोस्तों ने उसे क्या गिफ्ट दिया? Golu's friends gifted him a crutch. गोलू के दोस्तों ने उसको एक बैसाखी दिया। क्वेश्चन नंबर बी है, Choose the correct answer and complete the sentences. करेक्ट आंसर चुनिए और सेंटेंस को पूरा कीजिए। द बर्ड एंड एनिमल्स लिव्ड इन, चिड़िया और जानवर रहते थे कहां रहते थे? फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट। द यंग एनिमल्स वेयर टॉट, छोटे जानवरों को सिखाया जाता था गुड मैनर्स। गोलू हैड ए डैमेज्ड, गोलू का एक डैमेज था, क्या डैमेज था? लेग। द स्कूल वॉज ओपेंड इन, स्कूल खोला गया था कहां? एन ओपन स्पेस, खाली जगह पर। आफ्टर स्कूल द यंग एनिमल्स प्लेड, स्कूल के बाद जो छोटे जानवर थे वो खेलते थे, क्या खेलते थे? फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। और इस बॉक्स में है कब, द काउ, नॉइज, प्लेइंग, कॉटन, द आउल, बियर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका वन है, द यंग एनिमल्स स्पेंड द होल डे इन, जो छोटे जानवर थे पूरा दिन बिताते थे किस में? इन प्लेइंग। ये है फर्स्ट नंबर, इन प्लेइंग। ब्लैंक एंड ब्लैंक वेयर अपॉइंटेड एज द टीचर, टीचर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया था? ये द काउ एंड द आउल, दोनों में यही होगा।
द यंग एनिमल्स मेड अ लॉट ऑफ, छोटे जानवर क्या बना करते थे, बहुत सारा क्या करते थे क्लास में, नॉइस, ये क्या करते है? हल्ला करते थे. गिल्लू द बेबी स्क्विरल ब्रॉट, जो बेबी गिलहरी था जिसका नाम गिल्लू था, वो लाया, क्या लाया, कॉटन लाया. गोलू वाजे क्या था, बियर कप. ये फाइव का ये वन और ये फाइव का टू. चलिए अब डी देखते हैं. मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी. द लायन वाज द किंग ऑफ द जंगल. द यंग एनिमल्स कैरिड बैग्स लंच बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स. जो छोटे जानवर थे वो बैग लाते थे, लंच बॉक्स लाते थे और वाटर बॉटल लाते थे. द लायन कॉल्ड अ मीटिंग, लायन ने एक मीटिंग बुलाया. गोलू वेंट टू स्कूल डेली ऑन हिज ओन, गोलू प्रतिदिन स्कूल जाता था अपने से. द टीचर वॉज हैप्पी टू सी द न्यू स्टूडेंट, है ना. अब है थिंक एंड राइट, चूज वन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स फॉर ईच सेंटेंस. और यहां जो वर्ड दिया हुआ है वो है लेम, ब्लाइंड, हैंडीकैप, डीफ, डम. चलिए इसको भरने की कोशिश करते हैं. अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो कुछ नहीं देख सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लाइंड. हिंदी में कहें तो अंधा. अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक इज कॉल्ड अ, जो नहीं बोल सकता है, एक व्यक्ति जो कुछ नहीं बोल सकता है उसको क्या बोलते हैं, डम. अ पर्सन हु कैन नॉट वॉक इज कॉल्ड अ लेम, जो नहीं चल सकता है उसको हम लोग लैम बोलते हैं. चलिए अ पर्सन हु कैन नॉट हियर इज कॉल्ड ए, जो सुन नहीं सकता है उसको बोलते हैं डीफ. और पांचवा है अ पर्सन हु इज फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड इज कॉल्ड ए हैंडीकैप, यहां पर लिख रहे हैं हैंडी हैंडीकैप. ये था गोलू गोज टू स्कूल का पार्ट वन क्वेश्चन आंसर. जल्द ही इसका पार्ट टू क्वेश्चन आंसर भी प्रस्तुत किया जाएगा. धन्यवाद.